हेलो, हमारी कंपनी एक मॉडल पे काम करती है जिसे हम सेल एंड लीज बैक मॉडल बोलते हैं। हमारी कंपनी पहली नहीं है जो इस मॉडल पे काम करे, और भी कई सारी कंपनियां एंड जो गवर्नमेंट के बैंक के लॉकर होते हैं वो भी इसी मॉडल पे काम करते हैं। बैंक के लॉकर में क्या होता है, बैंक का कभी भी खुद का लॉकर नहीं होता, वो किसी थर्ड पर्सन से लीज पे लेता है और हमें रेंट पे देता है। वहां पर 1 साल का हमारा एग्रीमेंट बनता है और 1 साल के लिए वो लॉकर आपके नाम होता है जिसका रेंट आपको देना पड़ता है, चाहे आप अपनी कोई चीज लॉकर में रखो या ना रखो। नीचे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, वी आर नॉट इन्वेस्टमेंट कंपनी, वी डू नॉट आस्क फॉर द डिपॉजिट और लोन फ्रॉम द पब्लिक। ना ही आपको इन्वेस्टमेंट देने के लिए बोला जा रहा है, ना ही लोन और ना ही डिपॉजिट जमा करवाने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आप खुद की एक चीज परचेस करते हैं जिसे हम टेराबाइट यानी कि टीबी बोलते हैं। सेल एंड लीज बैक मॉडल का एग्जाम्पल देने का तात्पर्य यही था कि अगर आप टेराबाइट यानी कि टीबी यहाँ से परचेस करते हो तो उसका उसे कंपनी लीज पे ले लेती है और उसका आपको रेंट देती है एवरी मंथ 84 मंथ तक। यहाँ पर तो डाटा रखा ही जाएगा, मिरर में दो और जगह पर रखा जाएगा, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर कुछ होल्ड हो जाता है तो हम दूसरी जगह से बैकअप देकर दे सकते हैं, क्योंकि डाटा ऐसी चीज है वो कभी भी एक जगह पर सिक्योर नहीं रह सकती। 120 TB का एक सर्वर आता है, बट उसमें से आप 1 भी TB परचेस करते हो तो ये सारे एग्रीमेंट आपको यहाँ से मिलते हैं, जिसमें वेलकम लेटर, चैनल पार्टनर एग्रीमेंट, लीगल स्टेटस, ई कॉन्ट्रैक्ट, असल सेल एग्रीमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट एंड रेंटल एग्रीमेंट, जो कि रहेगा 84 मंथ के लिए। मंथली रेंट इनकम, अगर हम बात करें कि आपको टेराबाइट परचेस करना है तो आप कितने में परचेस कर सकते हो, उसका रेंट हमें कितना मिलेगा और कब तक मिलेगा। तो अगर आप पूरा सर्वर बाय करना चाहते हो जो 120 TB का रहता है, वो 46,72,800 रुपये में आप परचेस कर सकते हो, जिसपे रेंट आपको मिलता है एवरी मंथ 2,17,800 रुपये। कब तक आएगा, तो 84 मंथ के लिए, मतलब 7 साल तक। अब जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन पूरा सर्वर बाई कर सके, इसीलिए कंपनी ने उसके 120 पार्टिकल कर दिए। अगर किसी को छोटा सा हिस्सा भी लेना है तो भी वो ले सकता है। 38,940 में आप 1 TB परचेस कर सकते हो, जिसकी कैपिटल रहती है 33,000 रुपये और उस पर GST लगती है 18%, 5,940। 38,940 में आप 1 TB परचेस करते हो जिसपे आपको रेंट मिलता है एवरी मंथ 1,650 रुपये, वो भी आएगा 84 मंथ के लिए, मतलब 7 साल तक। एक के मल्टीप्लाई में आप जितना मर्जी चाहो उतना टेराबाइट परचेस कर सकते हो। 1 से 39 TB तक परचेस करते हो तो आपको कैपिटल का 5% मिलता है, और 40 या 40 से ज़्यादा वहाँ पर परचेस करते हो तो आपको वहाँ पर रेंट मिलता है कैपिटल का 5.5%। रेंट आपको 1 से 5 तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। कब तक आएगा रेंट, तो 84 मंथ के लिए, मतलब 7 साल तक। फ्यूचर प्लान, तो गिफ्ट सिटी में हमारा खुद का हेड ऑफिस बन रहा है, जहाँ पर रिलायंस, अदानी और फॉरेन की भी बहुत सारी कंपनियाँ ऑलरेडी लगी हुई हैं। यहाँ पर सारा का सारा डाटा सेंटर यानी कि सर्वर रूम ही होगा। टर्म्स एंड कंडीशन आपको दी जाती है, एक पैन कार्ड पे आप एक कोड ले सकते हो, टेराबाइट जितना मर्जी चाहो उतना प्लस करवा सकते हो। रिफंड की पॉलिसी आपको 30 दिनों की दी जाती है, अगर आपको लगता है मैंने गलत जगह पर पैसा दे दिया तो आप 30 दिनों में अपना पैसा वापस ले सकते हो। कैपिटल आपको मिल जाएगी, GST कट जाएगी क्योंकि वो गवर्नमेंट में चली जाती है। टोटल डिडक्शन रहता है 7%, 5% TDS और 2% सर्विस चार्ज। TDS है वो भी आप रिटर्न ले सकते हो, सिर्फ कंपनी 2% सर्विस चार्ज ही काटती है। यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन रहेंगे वो सारा का सारा बैंक थ्रू ही रहेगा, जो भी आपको कंपनी को पैसा देना होता है या फिर कंपनी आपको देती है वो सारा का सारा बैंक थ्रू ही रहेगा। वो बात थी जब हम खुद का टेराबाइट परचेस करते हैं तब। अगर आप किसी को रेफरल करते हो तो क्या होता है, जैसे आप IPO में पैसा लगाते हो, आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, तो आप किसी और को बोलते हो कि भैया यहाँ पर पैसा लगाओ, अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पर आप बोलते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर अगर आप किसी को रेफरल कर रहे हो या फिर किसी को बोल रहे हो और वो अपना इंटरेस्ट दिखाता है और वो भी टेराबाइट परचेस करता है, तो यहाँ पर आपको रेफरल इनकम दी जाती है, बिजनेस बोनस, कंसल्टेशन इनकम, रॉयल्टी क्लब बोनस एंड रिवॉर्ड्स बोनस। सबसे पहले आता है बिजनेस बोनस, जो हमारे कैपिटल रहती है उसका 21% यहाँ पर 15 लेवल में बढ़ता है। फर्स्ट लेवल पे 6%, दूसरे लेवल पे 3%, थर्ड लेवल पे 2%। वैसे अगर आपके टाउन में 15वें लेवल पर भी कोई काम करता है तो 1.5% मिलता है। ये वाली जो इनकम है वो वन टाइम के लिए है। दूसरी है कंसल्टेशन इनकम, जिनको हम टीम इनकम भी बोल सकते हैं। फर्स्ट लेवल पे 0.5% पर मंथ आता है और लेवल 2 से 6 में 0.1%। मान लो आपके थ्रू यहाँ पर किसी ने 1 शेयर का बिजनेस किया तो आपको मिलते हैं 50,000 रुपये पर मंथ। कब तक आएगा, तो 84 मंथ के लिए। अगर लेवल 2 से 6 में 5 शेयर का हुआ है टीम के थ्रू, तो वहाँ पर भी आपको मिलता है 50,000 रुपये पर मंथ
84 मंथ के लिए। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया हुआ है, अगर कोई 1 TB भी परचेस करता है तो उसके हिसाब से आपको मिल जाए। फिर आता है रॉयल्टी क्लब। रॉयल्टी क्लब में हमें 3 लेवल में काम करना होता है, फर्स्ट लेवल पे 3 TB, दूसरे लेवल पे 9 TB और तीसरे लेवल पे 27 TB। मान लो आपके डाउन में कोई 3 अलग अलग पर्सन ने 1-1 TB लिया है तो भी आपका फर्स्ट लेवल कम्प्लीट हो जाता है, और एक ही बंदे ने 3 TB ले लिया तो भी आपका फर्स्ट लेवल कम्प्लीट हो जाएगा। जैसे आपका 3 और 27 कम्प्लीट होता है, टोटल होता है 39 TB और आप आ जाते हो रॉयल्टी अर्निंग में। जैसे ही आप रॉयल्टी अर्निंग में आते हो, आपको कंपनी की ओर से डेजिग्नेशन मिलती है सेल्स मैनेजर की, और उस मंथ का कंपनी का जो टर्नओवर रहता है उसका 2% से सारे सेल्स मैनेजर में इक्वल बटेगा। 120 किया तो ब्रांच मैनेजर 1%, 363 किया तो जोनल मैनेजर 1%, 1092 करते हो तो रीजनल मैनेजर 0.5%। ये वाली जो इनकम है वो भी 84 मंथ के लिए आती है। मान लो आपने 39 TB वाला गोल अचीव कर लिया था सेल्स मैनेजर का, और कुछ महीनों बाद आपके 7 साल वहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई हुआ एक ही साल हुआ है, और दूसरे साल आप 120 वाला भी अचीव कर लेते हो, तो वहाँ पर जो फर्स्ट वाली थी 2% वो बंद हो जाएगी, जो सेकंड वाली है 1% वो वाली स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन आप गोल अचीव करते हो, वो भी आएगा उसी दिन से 84 मंथ के लिए। रेगुलर रिवार्ड्स, जैसे आपका 39 कंप्लीट हुआ आपको मिलता है स्मार्टफोन या 20,000 रुपये, 120 किया तो मैकबुक, 363 किया तो 3 लाख का कार फंड, 1092 करते हो तो 8 लाख का कार फंड, 3279 करते हो तो सफारी कार का बेस्ट मॉडल, प्लस उसी दिन से आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाती है 30,000 रुपये पर मंथ 84 मंथ के लिए। अगर आप लास्ट वाला गोल